हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है आज ट्रांसफार्मर MT-1201 का ट्रांसफार्मर है ये मैन, ठीक है। और हम ये एम्पलीफायर तैयार कर रहे हैं। अब इसकी वायरिंग नहीं हुई है, जब वायरिंग हो जाएगी मैं जब दिखाऊंगा आपको इसकी अलग से वीडियो बना करके, ठीक है। तो इस मैन ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोल्ड हो गया, तो ये शॉर्ट हो गया है। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे जब रिपेयर हो जाएगा। वो भी इसकी भी रिपेयरिंग चल रही है अभी। और ये दो ट्रांसफार्मर फरुखाबाद जाएंगे, हमारे एक पुनीत भाई हैं फरुखाबाद से, तो ये उनका माल तैयार हो रहा है। माल तैयार करके हमने उनका रख दिया है, वो आएंगे और ले जाएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो जो मैंने मैन आपको दिखाया था पहले, तो उस पर ये सफ़ेद सीट थी, तो अब हमने लीली सीट कर दी है क्योंकि ये रिपेयरिंग हो चुका है। हमने काट के दोबारा से रिपेयर किया था, ठीक है। तो हमने अभी इसमें केमिकल डाला है और ये वायर जैसी थी ऐसे निकाल दी है हमने। और ये जो है इसका स्टिकर ऐसे ही चिपका दिया है जैसा स्टिकर था, ठीक है। तो अभी इसका जो ये केमिकल है ये भी काफ़ी अभी ढीला है, ठीक है ना। तो ये केमिकल सेट हो जाएगा और ये फिर काम के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि हम आगे ऐसी वीडियो आपको दिखा सकें, ठीक है। तो इसमें दो आपकी मेन वायर हो गई, ये MT-1201 का मेन है, ये आपकी दो मेन हो गई वायर। और ये आपका जो है इसका यूज़ होता नहीं है खैर। और ये आपकी सप्लाई हो गई ए चैनल की, और ये बी चैनल की सप्लाई हो गई। और ये जो है थोड़े कंट्रोलर निकले हुए हैं छोटे वाले, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।